एरिया। चैप्टर तो चैप्टर नंबर 3 है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एरिया। सर्कुलर मोशन मतलब इस तरह की मोशन। ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें कुछ टर्म्स के भाई वो कुछ टर्म्स के बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे आपके भैया क्या होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है भैया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है भैया। इसमें क्या होता है, स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है? वेलोसिटी वेरिएबल होती है ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल डायरेक्शन। ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन। डायरेक्शन वेरिएबल होने की वजह से वेलोसिटी लगातार क्या होती है आपकी, बदलती रहती है। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, हर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, क्या आता है, सेम आता है, क्या आता है, एक ही जैसा होता है। ठीक है, ये देखिए। और एक बात ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करते हो, आप टेंजेंट खींचते हो। क्या करते हो? ठीक ये इस पॉइंट की डायरेक्शन देगी, जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो यहां पे टेंजेंट खींचोगे तो वह इस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो आप इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। तो आपको पता है भैया हर पॉइंट की टेंजेंट क्या है, अलग अलग है, इसीलिए वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होगी। तीसरा, ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर एक्सेलरेटेड इन नेचर। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी लगातार आपकी क्या आ रही है, बदल रही है। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। जब हर पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी अलग अलग रहेगी, वेलोसिटी की अलग अलग क्यों है, वेलोसिटी हर, देखिए मैंने बोला सबका मैग्नीट्यूड क्या सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, सबका सेम है। लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। और जहां पर वेलोसिटी अलग अलग रहती है उस मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, एक्सिलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं उसे? तो ऑल सर्कुलर मोशन आर एक्सिलरेटेड इन, सारी सर्कुलर मोशन कैसी नेचर की होती है, एक्सिलरेटेड। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सबका सेम है, केवल क्या अलग हो रहा है, एक्स वेलोसिटी क्यों बदल रही है। कुणाल, कुणाल वेलोसिटी क्यों बदल रही है, कौन से, कैसे डायरेक्शन कैसे बदल रही है। जैसे ये वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी के पास मान लीजिए मैग्नीट्यूड क्या है वी का, डायरेक्शन क्या होगी, वाई के अलोंग है तो जे के आप लिख दीजिए। ठीक है, ये वेलोसिटी देखिए, इस वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड वी ही रहेगा, यूनिफॉर्म है ना। डायरेक्शन किसके अलोंग है, माइनस एक्स के अलोंग, माइनस एक्स बोले तो माइनस आई कैप। ये वेलोसिटी देखिए, ये नीचे आ रही है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जे कैप। ये वेलोसिटी किसके अलोंग है भैया, मैग्नीट्यूड वी रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, आई कैप। तो आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड सबका सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। वेलोसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए दोनों में से कोई सी एक भी चीज चेंज हो जाए तो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ गए भैया? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है भैया फ्रीक्वेंसी। क्या आता है भैया? पहले टाइम पीरियड देख लीजिए। टाइम पीरियड, पीरियड क्या होता है? तो ये वो टाइम होता है जब साइकिल एक पार्टिकल कंप्लीट साइकिल कर ले। क्या कर ले? द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, टाइम पीरियड। मतलब पार्टिकल यहां से गया, ए से निकला और कहां पे आ गया, ए टू ए, कहां गया, ए से लेके ए पे वापसी आ गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको? इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम कैपिटल टी से लिखते हैं, टाइम पीरियड। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, टाइम है तो एसआई यूनिट क्या होगी, सेकेंड। फिर भैया फिर आता फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? फ्रीक्वेंसी एफ से लिखते हैं, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी भी साइकिल हो जाए, एक सेकेंड में 10 साइकिल हो जाए, ऐसा ऐसा 10 साइकिल हो जाए, 10 बार घूम जाए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10। एक साइकिल में जितनी भी
एक सेकंड में जितनी भी रिवोल्यूशन होगी या जितनी भी साइकिल होगी वही क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल में 10 साइकिल साइकिल पर सेकंड है, अगर भैया क्या है 10 साइकिल पर सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 हर्ज। कितनी होगी? अगर 50 साइकिल पर सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1/T होता है, सब जानते होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर ये कुछ और नहीं होता, ये एंगल ही होता है। क्या होता है? एंगल। एंगल कवर बाय रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर जितना एंगल कवर करता है उसी को हम कह रहे थे भैया। मान लीजिए रेडियस स्टार्टिंग में यहां पे थी ए पॉइंट पर, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गई ए डैश पर, तो इस दौरान इस रेडियस ने कितना एंगल किया? ये यही क्या कहलाता है भैया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, कहां चल रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे अभी चल रहा हूं ना, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा भैया? नेगेटिव होगा। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होगी आपकी रेडियन। क्या होगी? वैसे रेडियन एसआई यूनिट तो नहीं होता, सप्लीमेंट्री यूनिट की कैटेगरी में आता है। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है भैया? ओमेगा। एक सेकंड में कवर किया गया एंगल, या एंगल एंगल कवर बाय रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में ओमेगा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल्स में क्या होता है? थीटा अपॉन में टी, या थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, या डी थीटा अपॉन में डी टी, या डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा डी, ठीक है भैया। ये सब क्या है भैया? एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। किसके हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, सब सेम होता है, ठीक है, समझ गया। फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल की बात करूं, कंप्लीट साइकिल, अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं, थीटा क्या होता है? टू पाई, और जो टाइम लगता है क्या होता है? कैपिटल टी होता है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल्स में थीटा की यहां पे क्या आएगा? टू पाई, और टाइम की यहां पे आएगा कैपिटल टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अल्फा से लिखते हैं। अल्फा इक्वल्स में डी ओमेगा अपॉन में डी टी, या ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, या डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। ये सब फॉर्मूले होते हैं, ठीक है भैया। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? अच्छा, इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो भैया क्या होगा? इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो भैया क्या होगा? ऊपर थीटा है, थीटा की क्या होती है? रेडियन। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन पर सेकंड, ठीक है भैया। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो अल्फा क्या होता है भैया? ओमेगा। ओमेगा क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। टाइम की क्या होगी? सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सेम वही तो है। आपने देखा था वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? अच्छा, यहां पर इतना ध्यान रखना, जब भी मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूंगा, ज्यादा इधर उधर नहीं बात कर रहा, थीटा की जगह पर देखिए, आपने डिस्प्लेसमेंट देखा था एक्स होता था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? थीटा। आपने वेलोसिटी देखी थी वी होती थी, यहां पर क्या होगी? ओमेगा। यहां पर एक्सीलरेशन क्या होता था? ए, जिसकी वैल्यू क्या होती थी? अब वेलोसिटी क्या थी? क्या थी? डी एक्स अपॉन में डी टी। यहां पर क्या होगी वेलोसिटी? ओमेगा से लिखेंगे, और क्या होगी? डी थीटा अपॉन में डी टी। बाकी और भी फॉर्मूले होते हैं, देख लेना, समझिए। यहां पर एक्सीलरेशन क्या था? ए, वो क्या होता था? डीवी अपॉन में डी टी। यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा? अल्फा, वो क्या होगा? डी ओमेगा अपॉन में डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ये लीनियर होता है और पाथ पे होता है, कहां पे होता है? और ये रेडियस का होता है, सब कुछ किसका होता है? ये
रेडियस के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन करता है, रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी किसकी होती है, रेडियस की, एंगुलर एक्सीलरेशन किसका होता है, रेडियस का, समझ गए भैया, ये चीज ध्यान रखना ठीक है। अब आते हैं भैया रिलेशन, रिलेशन पहला ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का, तो अभी हमने देखा वी नो क्या ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन में टी फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करता हूं, कंप्लीट साइकिल, साइकिल थीटा की वैल्यू क्या होगी, टू पाई, और टाइम की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी, तो इसको क्या लिखूंगा भैया, टू पाई अपॉन में कैपिटल टी, टू पाई वन बाय में कैपिटल टी लिखता हूं, उसको वन बाय में कैपिटल टी होता है क्या, फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, टू पाई एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना इसको ठीक है भैया। आगे बढ़ता हूं भैया, बात करता हूं आपका रिलेशन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन आपका लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन इसके और इसके बीच में रिलेशन, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी और रेडियस की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ठीक है। तो अब देखिए भैया आपको पता है एक पार्टिकल है जो कि कहां घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में, कहां घूम रहा है, वो यहां पर था ए पॉइंट से कहां पे आ गया, ए डैश पर, उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा, उसने यहां से यहां तक की दूरी कितनी कवर की, ए से लेके ए डैश तक में, एक्स, और टाइम कितना लगा, यहां पर टाइम क्या था भैया, जीरो था, और यहां पर टाइम क्या हो गया, टी हो गया, समझ गए, रेडियस आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा हम जानते हैं भैया क्या, वी नो थीटा, आइए देखिए ये क्या हो गया, आर्क हो गया, आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इन टू में एंगल, जानते हैं, तो आर क्या है यहां पर, एक्स है, रेडियस क्या है, आर है, और एंगल कितना कवर किया, आपको पता है एक्स और थीटा कितना टाइम में कवर किया है, अब जब यहां पे था जीरो पे था, जब टी पे पहुंचा तभी तो एक्स भी कवर हुआ, तभी थीटा भी कवर हुआ, तो दोनों को मैंने क्या किया, टी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि तो दोनों सेम टाइम में कवर हुए, तो एक्स अपॉन में टी क्या होता है, वेलोसिटी, और थीटा अपॉन में टी क्या होता है, ओमेगा, ये रिलेशन आ गया ठीक है भैया। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन आपका आएगा ओमेगा, सॉरी अल्फा एंड ए, एंड रेडियस का एक्सेलरेशन और पार्टिकल का एक्सेलरेशन, इनके बीच में रिलेशन निकालना आपको ठीक है। तो मान लीजिए भैया कि जो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है वो कितनी चेंज हुई है, डेल्टा ओमेगा, और जो आपकी, चलो इस पर पहले डायग्राम पे देख लीजिए आपको समझ आएगा। मान लीजिए पार्टिकल की यहां पर जो रेडियस की एंगुलर वेलोसिटी थी कितनी थी, ओमेगा, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, और टाइम कितना था यहां पर, जीरो, यहां पर आते आते रेडियस तो वही रहेगी, अच्छा यहां पर आते आते पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, इसके ऊपर लग रहा है टॉर्क, क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो यहां पर आते आते इसकी नई वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, रेडियस की नई वेलोसिटी क्या होगी ये, और पार्टिकल की जो पार्टिकल चल रहा है पाथ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी प्लस डेल्टा वी, और टाइम कितना भी दिया, टी हो गया, कितना हो गया, डेल्टा टी लिख दो, टाइम कितना भी दिया, यहां पर टाइम टी था, जब वेलोसिटी ओमेगा थी, रेडियस की वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा थी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, वी थी, तब टाइम कितना था, टी था, थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क क्या करता है, रोटेशन मोशन में चेंज लाता है, आपको बताया मैंने, तो टॉर्क ने वी ओमेगा को क्या कर दिया, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, वेलोसिटी को कर दी वी प्लस डेल्टा वी, और टाइम को क्या कर दिया, टाइम बीतेगा अपने आप ही, तो टी प्लस डेल्टा टी, तो अपने को पता है क्या, रेडियस, देखिए वी नो क्या, बोलो क्या, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, बोलो हाँ, तो इसको लिखते हैं डेल्टा V इक्वल्स टू आर डेल्टा ओमेगा, ये भी तो होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसमें भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है डेल्टा V का, तो उसमें भी कितना चेंज होगा, दोनों कितने टाइम में चेंज हुआ है, डेल्टा डी टाइम में कितना चेंज हुआ है, ये क्या होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी क्या होता है, और ये क्या होता है अल्फा, ये क्या होता है, पीछे लिखवा देंगे, तो आते हैं भैया और लिख देते हैं इसको अल्फा आर ए, समझ गए भैया, और ये जो होता है, ये होता है रेडियस का एक्सेलरेशन, रेडियस का, और ये होता है पार्टिकल का, पार्टिकल कहां पे चल रहा है, पार्टिकल कहां पे चल रहा है, पाथ पर, क्या हो रहा है, और पाथ पर, और पाथ पर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी देने के लिए या किसी भी चीज की डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करते हो, टेंजेंट खींचते हो, क्या करते हो, इसीलिए कई बार इसको हम कहते हैं भैया पार्टिकल एक्सीलरेशन और
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया ये सारे रिलेशन खत्म हो गया आपके। अब आता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट भाई प्लीज देखिए, हाँ अरे हो गलती होगी, इक्वल्स टू इक्वल्स टू आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियस, और ये रेडियस एक्सेलरेशन माने ये एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है पढ़ ले, छपरी कहीं का। देखिए ये भैया पार्टिकल है, कहां घूम रहा है? सर्कुलर मोशन। ध्यान रखना भैया, जैसे चलो डायग्राम बड़ा बना देता हूं मैं, इसकी एक्सप्रेशन ये है ना, देख लेना सिलेबस में, ठीक है ना। ये सेंटर है, रेडियस क्या, ध्यान दीजिए भैया रेडियस क्या इसकी यार है, ये जब यहां पर था तो आपको पता इसकी वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी देने के लिए आप क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे यहां पर, ये वी1 क्या है इसकी वेलोसिटी, थोड़ा टाइम बाद यहां पर आ गया, आ गया ए से ए डैश पर आ गया, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा एक्स का, टाइम यहां पर क्या था टी, यहां पर क्या हो गया टी प्लस डेल्टा टी, तो पार्टिकल जब यहां पर आया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हो जाएगी क्या होगी वी टू, क्या होगी वी टू, चेंज कितना आया डेल्टा वी का, डेल्टा वी किसके बराबर होगा वी टू माइनस वी वन के। अच्छा यहां पर अगर एंगल का कितना चेंज आया डेल्टा थीटा का, तो ये कितना होगा, डायग्राम किसको किस सुन में आ गया, देखिए जब इस पॉइंट पर था पार्टिकल, ध्यान दीजिए, तो मैंने यहां पर एक टेंजेंट खींची, इस पॉइंट की वेलोसिटी वी वन निकली, क्या निकली, जब ये पार्टिकल घूमता हुआ यहां पर पहुंच गया तो इस पॉइंट की टेंजेंट खींचा है मैंने यहां पर, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या निकली वी टू। तो समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है समझ गया। अच्छा ये वेलोसिटी कब थी टी टाइम पर, और ये वेलोसिटी कब हुई टी प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म हो चुका डायग्राम, खत्म हो चुका डेरिवेशन। देखिए भैया करना क्या भैया, देखिए आपको बता दूं यहां पर, यहां पर ये ध्यान रखना, हेयर डेल्टा थीटा टेंड्स टू डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, यहां पर एंगल क्या है भैया, बहुत छोटा है, यहां पर एंगल क्या है अत्यंत छोटा एंगल है, और जब एंगल छोटा होता है तो बताओ ये क्या है, एंगल बहुत छोटा है तो ये क्या है, ट्राइंगल है, ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, मैं कहूंगा सेक्टर ऑफ सर्कल तो कुछ बोल सकते हो आप लोग, मेरे पे सवाल उठा सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा ट्राइंगल है तो भी सवाल उठा सकते हो आप, नहीं उठा सकते, मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोलो सीधा, मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको बोलूं ट्राइंगल है तो बोलोगे हाँ ट्राइंगल है, और अगर मैं इसको बोलूंगा सेक्टर ऑफ सर्कल है तो आप बोलोगे हाँ भैया सेक्टर ऑफ सर्कल भी है, अब मैं इसको बोलूंगा सेक्टर सर्कल तो आप बोलोगे नहीं ट्राइंगल है, समझ गया मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर थीटा छोटा होता है ना तो उस वक्त सेक्टर सर्कल और ट्राइंगल एक जैसा ही बिहेव करते हैं, आप किसी को भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो, समझ गया, समझ गया ना मेरी भावना को। अब देखिए भैया तो ये भी कैसा है, ये तो सेक्टर सर्कल ही है, इसकी रेडियस क्या भैया आर है, समझ गया, तो यहां पर रिलेशन आता है आर इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में एंगल, रेडियस क्या भैया आर कितना है भैया, आर कितना है डेल्टा एक्स, रेडियस कितनी है आर, और एंगल कितना है डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी डेल्टा एक्स अपॉन में, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया खत्म हो गया। अब ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला भी क्या होगा छोटा सा ट्राइंगल है, लेकिन मैं सेक्टर ऑफ सर्कल लेके चलूंगा आप कुछ नहीं बोल सकते, और टीचर भी आपको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा हेयर थीटा इज वेरी स्मॉल सो दैट ट्राइंगल एंड सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है भैया आइडेंटिकल है, समझ गए, तो अब आते हैं यहां पर। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अभी, तो क्या आप पढ़ रहे हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है, बस क्या चेंज होता है डायरेक्शन, तो इसके अभी मैग्नीट्यूड क्या है अभी, ठीक है, तो आर इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में एंगल, तो आर कितना भी यहां पर डेल्टा भी, रेडियस कितनी है भैया, रेडियस की तरह कौन बिहेव कर रहा है वेलोसिटी, और थीटा की जगह पर कितना भी है डेल्टा, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी डेल्टा वी अपॉन में वी, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन,
फ्रॉम फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन. तो क्या होगा भैया, डेल्टा वी अपॉन में वी बराबर में डेल्टा एक्स अपॉन में आर. बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब तू तू आई क्यों रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा. तेरा केमिस्ट्री का पेपर है ना, अभी केमिस्ट्री का होना बाकी है ना, तो घर जा जा केमिस्ट्री पढ़. है ना, हो गया फिजिक्स तो उसका. अब चल बैठ गया, बैठ गया. अब मत आइयो ठीक है, जब तक केमिस्ट्री का पेपर नहीं होता. फीस दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइयो बैठ बैठे बैठे. मैं जब बोलूंगा ना तब आइयो ठीक है. समझ गए भैया, समझ गया. अरे बस 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 भाई प्लीज. तो एक काम भाई प्लीज, आपको पता है डेल्टा वी वेलोसिटी का चेंज है, डेल्टा एक्स आर के अलोंग जो डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया है. तो ये डेल्टा एक्स कितने टाइम में कवर किया गया, टी से टी प्लस डेल्टा. तो टाइम कितना लगा, टी टाइम से टी प्लस डेल्टा टी हो गया, तब जाके डेल्टा एक्स आया. तो टाइम कितना लगा था, डेल्टा टी लगा था. जब वेलोसिटी वी थी तो टाइम कितना था, जब वेलोसिटी वी टू होगी तो टाइम कितना हो गया, टी प्लस. तो डेल्टा वी जो वेलोसिटी का बदलाव आया है, डेल्टा वी कितना है, वेलोसिटी में बदलाव आया, कितने टाइम में है, डेल्टा टी. तो हमने देखा कि इसमें भी उसी टाइम में बदलाव आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है. तो दोनों का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी इंटू में वन बाय में वी, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी इंटू में वन बाय में आर. कोई दिक्कत तो नहीं भैया, चलो. ये क्या होगा भैया, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन. ये क्या हो गया, वेलोसिटी. ये क्या हुआ, वेलोसिटी. और नीचे क्या हो गया, रेडियल. तो इस वेलोसिटी को डालने रेट क्या हुआ, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर. ठीक है भैया. और आपको पता है वी क्या होता है, ओमेगा आर के बराबर होता है. तो आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो ए इक्वल्स टू वी क्या होगा, ओमेगा आर का होल स्क्वायर अपॉन में आर. ये जगह ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर. अब यहां पर देखिए दो तीन चीजें, ओए दो तीन चीजें आपने देखी. एक फॉर्मूला आपने देखा, ओए वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर. एक फॉर्मूला देखा आपने, ए इक्वल्स टू अल्फा आर. आपको मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में हर एक पार्टिकल पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है. तो इसका मतलब ये क्या है, सेम है सबका. तो वी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या आ रहा है भैया, रेडियस. इसका मतलब समझा क्या हुआ, जो अगर सर्कुलर मोशन हो रही है क्या हो रही है, और जो पार्टिकल सेंटर से ज्यादा दूरी पर है उसकी रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी. इसीलिए पंखे के एंड वाले पॉइंट पर सर्कुलर मोशन याद है भैया, पंखे के एंड वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी, सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उसकी रेडियस सेंटर से क्या है, ज्यादा है. ऐसा ही उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेडियस के डायरेक्टली होता है. समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया. यही पढ़ना आपको, इससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना. आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी. आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं प्रोजेक्ट आएगी, क्या करते हैं है? अरे भाई सारे भेज दो, टेंशन ले रहा. हाँ वीडियो हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही. हाँ नहीं देखिए भैया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डेरिवेशन नहीं आती, ठीक है, वर्टिकली आती है. लेकिन मैं दोनों करा दूं, एक ही कराऊं. एक सेकंड रुक जाओ, एक बार सिलेबस देख लो. नहीं है, हॉरिजॉन्टल चीजों को ऐसे फेंकते हैं हाइट से, ये ऐसे गिरती है, इसे कहते हैं रेंज. इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल फॉर्म में एक्स लिखते हैं, इसको वेरिएबल फॉर्म में वाई लिखते हैं. ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. ठीक है, तो पहले देखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. मैं ज्यादा गणित नहीं लिख रहा, यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. आपको पता है जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी तब उतने टाइम में ये एक्स की मोशन करेगी और उतने टाइम में क्या करेगी, वाई की मोशन. जब बॉडी यहां पहुंचेगी तो टी टाइम लगा, मान लीजिए कितना टाइम लगा, उतनी देर में एक्स कलम कितना चल गया, एक्स, और वाई कलम कितना चला भैया, वाई. तो भैया एक्स क्या लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर. तो एक्स क्या होगा, एक्सीलरेशन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी एक्स कलम कितनी है भैया, यू, टाइम कितना टी प्लस हाफ
आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, टाइम क्या हो गया टी, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स में यू टी, तो टाइम क्या आ गया एक्स अपॉन में यू। अब बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस क्या होगा, वाई इक्वल्स में यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आपको पता है आपने किसके लॉन्ग कहता है, एक्स के लॉन्ग, कैसे है, तो वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जीरो, टाइम क्या होगा टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन क्या होगा जी, बॉडी नीचे आ रही है, टाइम टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स में क्या होगा हाफ जी, और टाइम की वैल्यू क्या रखिए एक्स अपॉन में यू, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स में हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। ये पूरी टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसको लिख दोगे वाई इक्वल्स टू में जी अपॉन में टू यू स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव। उसके बाद आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल आपका क्या होता है एयर में रहता है, जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल आपका एयर में रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, समझ गए। तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट वाई के लॉन्ग का होता है, जब तक वाई के लॉन्ग चलता रहता है हवा में रहता है तब तक टाइम ऑफ फ्लाइट रहती है, नहीं तो खत्म। तो इसका मतलब आपको वाई के लॉन्ग का लेना है सब कुछ, ठीक है भैया। तो आपको पता वाई को उसमें यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एच, बिल्डिंग के हाइट के बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वाई के लॉन्ग जीरो प्लस बॉडी नीचे आ रही है टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट टू एच अपॉन में जी, ठीक है भैया। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसके बाद रेंज करते हैं, क्या करते हैं रेंज बोले तो एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल्स में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा रेंज कब तक कवर की जाती है, जब तक वो हवा में रहता है, जब तक हवा में कब तक रहता है इतने टाइम तक, तो एक्स इक्वल्स में एक्स क्या है रेंज है, क्या है इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या है यू, टाइम कितने कितने टाइम तक हवा में रहेगी टाइम ऑफ फ्लाइट तक यानी टू एच अपॉन में जी, और आपको पता है हाफ एक्सीलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या होता है जीरो, टाइम का टी स्क्वायर, तो रेंज क्या है भैया यू टू एच अपॉन में जी, ठीक है। फिर आता है आपका वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, क्या है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी, मान लीजिए आप किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हो तो आपको पता है एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी आपकी यही रहेगी वैसा यू, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आता, एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी में कभी बदलाव किसके वेलोसिटी में बदलाव आता है वाई की, ठीक है भैया। एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी में से यही रहेगी, किसी भी टाइम पे देखोगे यही रहेगी, क्यों, रीजन क्या है, एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट, वाई के लॉन्ग फोर्स लगता है कौन सा ग्रेविटी, तो वाई की वेलोसिटी निकाल लेते भैया, तो सुन लीजिए वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी होगी, आप किस टाइम की बात कर रहे हो टी टाइम की, किस टाइम की बात कर रहे हो, तो आपको पता है यू वाई टी प्लस सॉरी यू वाई प्लस ए वाई टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, टी टाइम की वेलोसिटी बता रहे हो, तो वी वाई क्वेश्चन में क्या होगा यू की वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी है जीरो है ना, क्योंकि आपने एक्स के लॉन्ग फेंका इसको और बॉडी आ रही है तो जी टी, तो ये क्या होगा वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी जी टी, क्या होगी, तो भैया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट में आप देखोगे प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है, एक्स की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी यू और वाई की वेलोसिटी क्या रहेगी जी टी, और आपको ये वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। यहां पर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्ट क्या होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वी इक्वल्स में क्या हुआ वी एक्स की वैल्यू क्या रखी है यू और वी वाई की वैल्यू क्या रखी है जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो हमने मान लिया डायरेक्शन कितनी है बीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल देखोगे इसका तो वही क्या है डायरेक्शन, और ये होगा टेन बीटा इक्वल्स में वी वाई अपॉन में वी एक्स, वी वाई की वैल्यू क्या है जी टी और वी एक्स की वैल्यू क्या है भैया आंसर आगे भैया पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। एंगुलर सबसे मेन है, ध्यान दीजिएगा एंगुलर प्रोजेक्शन, पार्टिकल को ऐसे फेंकोगे वाई है एक्स है ऐसे जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, रिसॉल्व करो तो एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यू कॉस थीटा और वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा क्या भैया इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद ऐसे आएगा ऊपर जाएगा उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगा, ये टॉप पॉइंट होता है, ठीक है भैया। यहां से यहां तक के टाइम को क्या कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और यहां से यहां तक के टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ, मान लीजिए कि टाइम पर पार्टिकल कहां पहुंच गया यहां पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया यहां पर इस पॉइंट पर, टी टाइम पर पार्टिकल आपका यहां पहुंच गया यहां पर, तो उसने एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया इतना और वाई के लॉन्ग कितना किया इतना, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव में एक्स इक्वल्स में क्या होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी है भैया यू कॉस थीटा, टाइम कितना लगा टी की बात कर रहे हैं प्लस आपको पता है एक्सीलरेशन एक्स के लॉन्ग जीरो होता है,
और टाइम क्या है टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स में, यहां से आएगा आपका टाइम की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। फिर आता है भैया वाई एक्सिस, क्या आता है भैया वाई एक्सिस, वाई इक्वल्स में क्या होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स में यू इनिशियल वेलोसिटी वाई कॉलम क्या यू साइन थीटा। टाइम कितना लगा भैया, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या होगा हाफ, एक्सेलरेशन का होगा माइनस जी, तो उसके माइनस की वजह से यहाँ पे आ गया एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स में यू से यू क्या होगा कैंसिल होगा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है टेन थीटा, एक्स हो गया आपका माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या आ गई, फिर आता है भैया टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता ना भैया टू टाइम ऑफ एसेंट, क्या आता है टू टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट है, ये क्या टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट यानी आपको पता ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आएगा, ऊपर जाने में वाई एक्सिस की मोशन, तो आपको पता वी वाई क्वेश्चन में क्या होता है यू वाई प्लस ए वाई टी, आपको पता फाइनल वेलोसिटी वाई कॉलम क्या होती है टॉप पॉइंट पर जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यू साइन थीटा, बॉडी ऊपर जा रही है तो इसलिए माइनस जी, और टाइम क्या तो टी की वैल्यू क्या होगी यू साइन थीटा अपॉन में जी, इसके स्पेशल केस ध्यान रखना आसानी है ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाएगा आपका टू इंटू में टी, टी की वैल्यू क्या रखी भैया यू साइन थीटा अपॉन में जी। फिर आता है रेंज, क्या आता है रेंज, रेंज क्या होगा एक्स के लॉन्ग, क्या होगा अच्छा बॉडी एक्स के लॉन्ग कब तक चलती है जब तक वो हवा में रहती है, हवा में कब तक रहेगी टाइम ऑफ फ्लाइट तक, तो एक्स इक्वल्स में क्या होगा यू एक्स टी, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट रखना आपको प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये एक्स को क्या लिया भैया आपने रेंज, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया एक्स के लॉन्ग यू कॉस थीटा, टाइम कितना है भैया टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, और आपको बता दूं एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो होता है इसलिए पूरी टर्म क्या होगी जीरो हो जाएगी, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा, वो हो जाएगा आपका साइन टू थीटा, क्या होगा ये रेंज आ गया। फिर उसके बाद हाइट क्या निकालनी है, हाइट मतलब सॉरी हाइट निकालनी है, हाइट क्या होता है भैया मैक्सिमम हाइट टॉप पॉइंट की, टॉप पॉइंट पर जब पहुंचती है तो भैया क्या होगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स में टू जी और ओ वाई कलोंग का डिस्टेंस, तो आपको पता फाइनल वेलोसिटी वाई कलोंग क्या होती है जीरो, इनिशियल क्या थी यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या होगा माइनस जी, और ये क्या है एच, वाई की जगह पे क्या लिखोगे एच लिखोगे, तो ये क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल्स में माइनस टू जी एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो एच की वैल्यू क्या होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू जी, ये हाइट आ गई ठीक है भैया। फिर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या निकालना है, टी टाइम की बात करो भाई प्लीज, देखिए टी टाइम पर फिर टाइम कहाँ पहुंच गया यहां पर, तो वाई कलम वेलोसिटी अभी